प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने दो लाउड स्पीकर को उतार कर सौंपा जिलाधिकारी व एसएसपी को। जिलाधिकारी व एसएसपी ने दोनों लाउड स्पीकर को गोरखनाथ प्राइमरी विद्यालय को किया दान। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रार्थना राष्ट्रगान में प्रयोग करने के लिए दिए निर्देश। जनपद में चल रहे अवैध स्टैंड अवैध पार्किंग को अभियान चलाकर कराया जाएगा खाली। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। विद्युत सखियों व वीसी सखियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। सीएम योगी की पहल पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जिला प्रशासन को सौंपे गए लाउड स्पीकर स्कूलों में प्रार्थना व राष्ट्रगान के काम आएंगे। गोरखनाथ मंदिर से मिले लाउड स्पीकर जनहित के निर्णय को सबसे पहले खुद पर लागू कर नजीर पेश करते रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तेईस मई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। कहा 1000 अभ्यर्थियों को मेले के माध्यम से रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सभी अभ्यर्थी करें प्रतिभाग। उन्नीस मई को पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद को छुड़ाने गए व्यक्ति की हत्या करने वाले 3 अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एनसीसी एवं भारत स्काउट गाइड के बच्चों को पढ़ाया गया सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का पाठ। कहा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटना में हो सकेगा नियंत्रण। प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता का कार्यक्रम। बेसिक स्कूलों में हर बच्चों को निपुण बनाने में जुटी योगी सरकार। निपुण भारत केंद्र के जरिए हर बच्चे का विषयवार ऑनलाइन हो रहा है मूल्यांकन। गोरखपुर में मॉडल के रूप में चल रहा है प्रोजेक्ट निपुण। बच्चों के लिए विज्ञान व गणित विषय को और रुचिकर बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला में IIT गांधीनगर जाएंगे गोरखपुर की टीम। रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित ऑटो स्टैंड की शिकायत पर SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से किया निरीक्षण। नो पार्किंग में खड़ी 2 प्राइवेट बसों को किया सीज। कहा अवैध रूप से पार्क किए वाहनों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ITMS के कंट्रोल रूम के द्वारा यातायात नियमों के प्रति चौराहों पर लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को किया जा रहा है जागरूक। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा ट्रैफिक चौराहों के बायलेन को रखें खाली ताकि ट्रैफिक का प्रेशर हो कम। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने NXC भवन के सभागार में की बैठक। कहा टीम बनाकर मोहल्लों से बकाया बिजली बिल की जाए वसूली। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में खेले जा रहे अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 21 मई को मेट्रो रेल एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच होगा फाइनल मैच। और पेट्रोल पंपों को NOC देने वाली टीम के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा 1 सप्ताह के बाद पेट्रोल पंपों को जिलाधिकारी के माध्यम से NOC किया जाएगा वितरित।